तो अब हम करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाए, तो सबसे पहले आता है ग्रेजुलिज्म। ये किसने दिया? ग्रेजुलिज्म हमें दिया था केन्स ने। देखो ये केन्स ने हमें एक डायग्राम दिया बना के। ये हमारी जो शुरुआती ऐसे ऐसे, यानी ये हमारे जो एग्रीगेट सप्लाई और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, डायनेमिक एग्रीगेट डिमांड है। ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये हमारा जो है क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये हमारा इन्फ्लेशन रेट पाई है। हम लोग पाई को पाई डैश तक लाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि एक कट लगाते हैं, किसमें? मॉनेटरी ग्रोथ में कट लगाते हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड होती है वो गिर जाती है और पॉइंट हमारा ई डैश आ जाता है, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो पाई डैश बन जाता है, ठीक है। अब और कट लगाते हैं और जो नया पॉइंट जो हमारा वो पाई डबल डैश आता है, ठीक है, और जिस जो हमारे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे काटता है, और डी ए डी हमारी गिर जाती है और इस ई वन वाले पॉइंट पे ये कट करता है। तो यहाँ से हमारा जो है इन्फ्लेशन रेट जो है पाई डैश से पाई वन तक आ जाता है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। तो कहता है एस ए एस जो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जो हमने कहा कि भाई ये एस ए एस शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई है। डी ए डी डायनेमिक एग्रीगेट डिमांड कर्व है। पॉइंट ई दोनों का इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे एस ए एस और डी ए डी दोनों बराबर होता है। अब पॉइंट ई वन जो है, पॉइंट ई वन जो है, अब ये कहता है जो ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का, ग्रेजुअलम का जो पॉलिसी है वो क्या है कि हमने जो है इन्फ्लेशन को कम करना है, ठीक है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो है ये सारा का सारे हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो मेन टारगेट क्या है, इन्फ्लेशन को कम करना है। द ऑब्जेक्टिव पॉलिसी टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम पाई टू पाई वन, यानी ये जो है पाई टू पाई वन पे हमें लेके आनी, पाई ये पाई है और पाई से पाई वन तक हमें इन्फ्लेशन रेट को लेके आना, ये इसका टारगेट है, ठीक है। तो पाई जो पॉइंट ई और जो है पोटेंशियल लेवल रखना हमने आउटपुट का भी, यानी इनकम का भी, ये हम उन्हें वाई स्टार पे रखना, यानी ये इसी लेवल पे रहना चाहिए, इससे गिरना भी नहीं चाहिए और इन्फ्लेशन रेट भी नीचे आना चाहिए। पॉइंट ई वन जो है वो हमारा हमें जो रिक्वायर्ड लोअर इन्फ्लेशन रेट देता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, पॉइंट ई वन जो है हमारे ये जो है रिक्वायर्ड पोटेंशियल रेट दे रहा है, ठीक है। अब पॉइंट ई डैश जो है, हमने जो देखो ये किया कैसे, हमने जो ग्रेजुअली स्टार्ट किया और एक स्मॉल कट लगाया मनी ग्रोथ में, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी ग्रोथ के अंदर एक स्मॉल कट लगाया, यानी कि हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी में मनी मनी ग्रोथ को कम किया। इससे क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड कम हो गई और एग्रीगेट डिमांड कम जो है वो डी ए डी डैश बन गई और एक नया पॉइंट आ गया ई डैश, और हमारे जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो पाई से पाई डैश पे आ गई। लेकिन उससे क्या आउटपुट भी जो है पाई डैश पे पहुंच गया। फिर हमने जो इन्फ्लेशन रेट हमारा जो है पाई डैश था, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट टू एस ए एस, ये भी नीचे आ गया। अब लिटिल मोर रिडक्शन किया और रिडक्शन किया, तो डी ए डी हमारा डी ए डी डबल डैश पे आ गया, ठीक है। और हमने जो है पॉइंट हमारा जो नया एक पॉइंट ई ई डबल डैश आ गया, और जो इकोनॉमी जो ग्रेजुअली मूव कर गई नीचे की तरफ, और वो जो है पाई वन पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी अचीव हो गया, और हमारा जो डिजायर इन्फ्लेशन रेट जो हमें नीचे लेके आना था वो भी हमारा पहुँच गया। तो इस पॉलिसी में क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं इसमें धीरे धीरे हम लोग काम करते हैं, रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेशन रेट को। ये हम लोग शुरू करते हैं छोटे कट से, स्मॉल कट करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ मनी को, यहाँ पे कोई बड़ा रिसेशन नहीं आएगा, ठीक है। और एडजस्टमेंट प्रोसेस में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, वो तो होगा ही थोड़ा बहुत, और जो है देर इज अ स्लो रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन में थोड़ा थोड़ा जो है डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो कोल्ड टर्की की हम लोग बात कर रहे हैं, कोल्ड टर्की भी पॉलिसी जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दी है, यानी वो हमारी जो पिछली जो ग्रेजुअलिज्म थी वो थी हमारी केन्स ने थी, और ये कोल्ड टर्की जो है उन्होंने क्लासिकल वाला दिया है। अभी इन्होंने भी वही एस सी एस जो हमारा जो स्टार्टिंग का वो है शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर, डी ए डी हमारा डायनेमिक एग्रीगेट डिमांड कर, और पॉइंट ई इन दोनों का आपस में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये सिचुएशन शुरुआत में हुई है। फिर ई वन है, पॉइंट ई वन जो है ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। ये कैसे किए इन्होंने, ये भाई यहाँ पे कैसे पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे ये विद मैसिव कट इन द मनी ग्रोथ मॉनेटरी पॉलिसी। अब उन्होंने क्या कहता है, उन्होंने स्मॉल कट किया, यहाँ पे मैसिव कट है, बड़ा कट लगा रहे हैं, ज़्यादा काट रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, जो मनी ग्रोथ थी वो कम कर दी मार्केट के अंदर। तो उससे क्या हुआ, डी ए डी जो है लेफ्ट वर्ड हमारा शिफ्ट कर दिया, डी ए डी डैश पर पहुँच गया, ठीक है। और जो इकनॉमी जो है वो पॉइंट ई डैश पर पहुँच गई, इन्फ्लेशन रेट हमारा पाई वन पर पहुँच गया, और आउटपुट जो हमारा गिर के वाई डैश पर पहुँच गया, ठीक है। अब जो आउटपुट लेवल गिर के हमारा यानी रिसेप्शन हुई, तो इन्फ्लेशन रेट जो है ज़्यादा गिरा कोल्ड टर्की में, कोल्ड टर्की में ग्रेजुएशन के मुकाबले ज़्यादा डाउन हुआ, ठीक है। तो ये ड्यू टू ग्रेटर फॉल इन इन्फ्लेशन रेट द एस एस शिफ्ट डाउनवर्ड,
एस ए एस जो था हमारा वो एस ए एस डैश बन गया, ये हमारा एस ए एस डैश बन गया, ये हमारा आ गया ठीक है। और ये जब तक होता रहेगा, ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, जब तक कि ई डैश पॉइंट तक वापस नहीं पहुंच जाते और डिजायर्ड एम्प्लॉयमेंट रेट अचीव नहीं कर लेते, तो इस तरीके से जो इन्फ्लेशन रेट को गिराया जा सकता है। लेकिन मैं जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा फैले, तो क्रेडिबिलिटी हम लोग करने जा रहे हैं। एक कहते हैं कि एक जो क्रेडिबल पॉलिसी तो हम लोग कह सकते हैं जिस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो जो ज़्यादा सक्सेस करती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कोल्ड टर्की पॉलिसी जो है जो ज़्यादा क्रेडिबल पॉलिसी, यानी उसके सक्सेस होने के ज़्यादा चांस है। अगर क्रेडिबल पॉलिसी होना क्रेडिबिलिटी बोनस वाई रिडक्शन इन्फ्लेशन, तो जब रिडक्शन करेंगे इन्फ्लेशन में तो क्रेडिबिलिटी पॉलिसी को ज़्यादा बोनस मिलता है। कहते हैं इस पॉलिसी में जब मनी ग्रोथ रेट कम किया जाता है तो पीपल जो होते हैं लोग जो है अब आराम से एडजस्ट कर लेते हैं अपने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के साथ। इसकी वजह से जो एस ए एस चिप डाउन हो जाता है और जो इकोनॉमी मूव कर जाती है इमीडिएटली टू न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट शोइंग रिडक्शन इन्फ्लेशन रेट। तो देर यहाँ पर जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन क्रेडिबिलिटी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन रेट में, तो जो जो है दैट इज मोर क्रेडिबिलिटी इम्प्लाई मोर डिस इन्फ्लेशन ठीक है। तो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगी तो ज़्यादा डिस इन्फ्लेशन होगा। आगे था सेक्रीफाइस रेशियो। देखो सेक्रीफाइस रेशियो होता क्या है, हमें पता है कि इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है। अब जब इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो रही है, यानी हमारा जो आउटपुट का लॉस हो रहा है। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए जितना लॉस होगा आउटपुट का उसका सेक्रीफाइस रेशियो कहते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कॉमुलेटिव परसेंटेज लॉस ऑफ आउटपुट टू द एक्चुअल रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। तो दूसरे शब्दों में सेक्रीफाइस रेशियो इज द कॉस्ट ऑफ डिस इन्फ्लेशन। तो ये कॉस्ट है डिस इन्फ्लेशन के। तो इकोनॉमिक्स होता है वो पहले से इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, पहले से इसको चेक करते हैं कि भैया अगर हम लोग जो डिस इन्फ्लेशन की पॉलिसी लाएंगे तो हमें अपना जो है कितना जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने आउटपुट का ठीक है। और इसको अप्लाई करने के लिए ये कुछ बातें हैं जो कि पहले से ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई एक अनाउंसमेंट कर दें पहले पहले से पॉलिसी का एडवांस।